हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ कुकुरबिट्स। ये सीड साइंस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी रिलेटेड और तरह तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है वेराइटल सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो वेराइटल सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कुकुरबिट्स में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिक्वायरमेंट। तो किस टाइप का लैंड रिक्वायरमेंट होता है, देखिए, वेल ट्रेंड सैंडी और क्लेलोम सॉयल। तो जो ये कुकुरबिट्स है ये सैंडी या क्लेलोम सॉयल में अच्छे से ये ग्रो कर जाता है। नो स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, बट द लैंड शुड बी फ्री फ्रॉम वॉलंटियर प्लांट्स। कोई स्पेशल टाइप का लैंड नहीं चाहिए होता है, बस लैंड जो है वो वॉलंटियर प्लांट्स से फ्री होना चाहिए। वॉलंटियर प्लांट्स उस प्लांट्स को कहा जाता है। सपोज़ इस सीज़न में आपने एक क्रॉप लगाया है और नेक्स्ट सीज़न में आप किसी और एक क्रॉप लगा रहे हैं, तो फर्स्ट सीज़न में जो क्रॉप लगाया था उस क्रॉप का कुछ सीड्स अगर उसी लैंड में रह गया और नेक्स्ट सीज़न में जब आप दूसरा क्रॉप लगाएंगे उस क्रॉप के साथ साथ अगर ये सीड पहले वाले सीज़न वाला सीड जर्मिनेट करके ग्रो कर जाता है तो इसे हम कहेंगे वॉलंटियर प्लांट्स। नेक्स्ट है दोस्तों आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। कुकुरबिट्स आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। ये कुकुरबिट्स जो है वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, तो इसमें आइसोलेशन बहुत हाई ज़रूरत होता है। एंड द पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाय द इंसेक्ट एक्टिविटी, ठीक है। और इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट एक्टिविटी के माध्यम से होता है। देयरफॉर आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सीड प्लॉट्स फ्रॉम अदर वेराइटी फील्ड और सेम वेराइटी नॉट कॉन्फॉर्मिंग टू द वेराइटल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो कुकुम्बर के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा गया है फॉर बीडर सीड प्रोडक्शन 1000, फॉर फाउंडेशन 800 एंड फॉर सर्टिफाइड 400। फॉर अदर कुकुरबिट्स, और जितने भी कुकुरबिट्स है जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, ठीक है, मास्क मिलन, उनके लिए फाउंडेशन लेवल में जो आइसोलेशन रहेगा वो रहेगा 1000 और सर्टिफाइड लेवल में जो आइसोलेशन रहेगा वो रहेगा 500 मीटर। नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। वन प्लाइंग फॉलोड बाय 3 to 4 हैरोइंग टू गेट फाइन टिल, ठीक है। एक बार प्लाइंग और 3 से 4 बार हैरोइंग किया जाता है फाइन टिल तक लैंड को लाने के लिए। मेक फारो 2 to 2.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। जो फारोज है लैंड में वो रहेगा 2 से 2.5 मीटर के डिस्टेंस में। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो जो ये फारो है नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, वो है फारो और ऊपर वाला जो होता है वो होता है रिज, और दोनों फारोज के बीच में जो गैप है वो रहेगा 2 से 2.5 मीटर। अप्लाई 25 to 30 टन FOM पर हेक्टेयर ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन, ठीक है। तो लैंड प्रिपरेशन के टाइम में जो है FIM यूज़ करना होगा, सॉइल के साथ मिक्स करना होगा। कितना अमाउंट में चाहिए होगा, 25 से 30 टन्स पर हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीजन सीड एंड सोइंग। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड इन समर सीजन। तो खरीफ में जब सोइंग होता है वो होता है जून जुलाई में, और जो समर सीजन है तब सोइंग होता है फरवरी और मार्च में। सीड्स ऑफ अप्रूव वेराइटी शुड बी सिलेक्टेड एंड शुड बी परचेस्ड विथ टैग एंड बिल। तो ऑथेंटिक सोर्स से सीड वेराइटी को चूज़ करना है, ठीक है, और उसका टैग और बिल भी होना चाहिए। सीड रेट शुड बी 2.5 to 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो 2.5 से 5 kg पर हेक्टेयर होता है सीड रेट। सीड्स आर प्लेस्ड विद द स्पेसिंग ऑफ 2 to 2.5 meters ऑन फारोस, सो द डिस्टेंस ऑफ 2 to 2.5 meters from plant to plant and 2 to 2.5 from row to row can be maintained, ठीक है। तो जो सीड्स है 2 से 2.5 meters के डिस्टेंस में उसको सोइंग किया जाता है, ठीक है, फारोज में। और प्लान टू प्लान जो स्पेसिंग होता है वो होता है 2 से 2.5, और जो रो टू रो, ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2.2 से 2.5 meters।
3 to 4 सीड्स पर हिल शुड बी प्लेस्ड एंड थिनिंग इज डन 12 to 15 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो 3 से 4 सीड्स जो होता है पर हिल में सोइंग किया जाता है, ठीक है, और जो थिनिंग होता है वो 12 से 15 डेज आफ्टर सोइंग पे किया जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन फॉर बीटर गॉड, स्नेक गॉड, एश गॉड एंड पम्पकिन, द एनपीके रेशियो शुड बी 60:120:60। ठीक है, फॉर कुकुम्बर एनपीके रेशियो विल बी 60:120:60। ठीक है, यह अब याद रखना। अप्लाई 50% ऑफ नाइट्रोजन एंड टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन एंड रेस्ट ऑफ 50% ऑफ नाइट्रोजन शुड बी टॉप ड्रेस्ड 4 weeks आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन है उसका 50% अमाउंट और जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटासियम होता है वो फुल अमाउंट, ठीक है, लैंड प्रिपरेशन के टाइम में सॉइल में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और जो 50% जो नाइट्रोजन बच गया था वो टॉप ड्रेसिंग के थ्रू अप्लाई किया जाता है 4 weeks आफ्टर सोइंग, मतलब 4 week सोइंग के बाद से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है इरीगेशन एंड इंटरकल्चर, क्रॉप शुड बी इरीगेटेड वंस और ट्वाइस ए वीक डिपेंडिंग अपॉन द सॉयल एंड क्लाइमेट। ठीक है, 1 to 2 वेडिंग इज डन टू फ्री द लैंड फ्रॉम वीड्स, 1 से 2 बार वेडिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि लैंड जो है वीड से फ्री हो सके। फ्लावरिंग बिहेवियर, सेक्स फॉर्म्स आर मॉडिफाइड एंड मेलनेस इज इंड्यूस्ड बाई हाई टेम्परेचर, डे लेंथ एंड लो फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। ठीक है, जो कुकुर बीट्स होता है उसमें जो है मेलनेस को बढ़ावा देता है हाई टेम्परेचर, ठीक है, डे लेंथ और जो है लो सॉयल फर्टिलिटी, तो इस सब की वजह से जो है मेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, कुकुर बीट्स में फीमेल फ्लावर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाई अप्लाइंग GA3 एट 10 to 20 ppm। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर्स जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, GA3 अप्लाई किया जाता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 to 20 ppm, इथ्रिल एट 200 ppm ऑन यंग सीडलिंग एट टू लीफ स्टेज इंक्रीज द फीमेल फ्लावर। ठीक है, जो इथ्रिल होता है वो जो इथिलीन होता है उसी का लिक्विड फॉर्म होता है जिसको 200 ppm में अप्लाई किया जाता है यंग सीडलिंग में, ठीक है, टू लीफ स्टेज में, टू इंक्रीज द फीमेल फ्लावर नंबर एंड इंक्रीज द सीड सेट एंड ईल्ड। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर की ताकि उसमें जो है नंबर है वो बढ़ सके और एट द एंड उसमें से सीड सेट भी ज़्यादा हो सके और ईल्ड भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ कुकुर बीट्स आर पम्पकिन बीटल, एफिड्स एंड फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो कुकुर बीट्स में इंपॉर्टेंट पेस्ट पम्पकिन बीटल होता है, ये हो गया पम्पकिन बीटल, देखिए एफिड्स और फ्रूट फ्लाई, ये हो गया फ्रूट फ्लाई, ठीक है, और ये हो गया एफिड्स। टू कंट्रोल एफिड्स एंड फ्रूट फ्लाई अप्लाई 10 ml ऑफ मेलाथियन इन 10 liters ऑफ वाटर। ठीक है, टू कंट्रोल पम्पकिन बीटल अप्लाई 5% मेलाथियन डस्ट विथ वाटर। ठीक है, 5% मेलाथियन यूज़ किया जाता है पम्पकिन बीटल को कंट्रोल करने के लिए। इंपॉर्टेंट डिजीज एंड आर पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू एंड एंथ्रेक्नोज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिजीज होता है कुकुर बीट्स में होता है पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज। टू कंट्रोल पाउडर मिल्ड्यू अप्लाई कैराथिन डस्टिंग। ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए कैराथिन डस्टिंग यूज़ किया जाता है। 450 liters सॉल्यूशन इज नीडेड फॉर 1 hectare। ठीक है, तो कैराथिन जो डस्टिंग है उसका 450 liters सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, 1 hectare के लिए जो आवश्यक होता है। टू कंट्रोल एंथ्रेक्नोज अप्लाई ट्राइफिनेट मिथाइल 10 ml इन 10 liters ऑफ वाटर। ठीक है, ट्राइफिनेट मिथाइल यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंथ्रेक्नोज कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे भी अबाउट 450 liters सॉल्यूशन इज नीडेड फॉर 1 hectare। ठीक है, 450 liters सॉल्यूशन चाहिए होता है ट्राइफिनेट मिथाइल की। ठीक है, 1 hectare के लिए। रॉगिंग, नेक्स्ट है रॉगिंग, रॉगिंग ऑफ टाइप शुड बी रिमूव बिफोर फ्लावरिंग। ठीक है, तो जितने भी ऑफ टाइप प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको फ्लावरिंग से पहले रिमूव करना होता है और ये रिमूवल का जो प्रोसेस होता है उसी को रॉगिंग कहा जाता है। ड्यू टू लेस डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट द ऑफ टाइप्स प्रियर टू फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट एंड ऑफ टाइप फ्लावर शुड बी रिमूव टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन विथ अनवॉन्टेड पॉलन।
जिस जो जो प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट प्लॉट से ऑफ टाइप फ्लावर्स को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई अनवांटेड, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए उसमें। व्हेन फ्रूट्स आर डेवलप दे एग्जिबिट डिफरेंस इन कलर एंड सच प्लांट शुड बी रिमूव। ठीक है, जब फ्रूट मैच्योर होता है, ठीक है, तो उसमें कलर डिफरेंसेस होता है, तो कलर डिफरेंस के बेसिस पे हम जो है रॉगिंग, ठीक है, जो रॉगिंग प्रोसेस है वो हम करते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग। बिटर गॉड, स्नेक गॉड, ठीक है, इनका जो मैच्योरिटी इंडेक्स होता है वो है चेंज फ्रूट कलर 1/3 पार्ट फ्रॉम येलो टू रेड। देखिए ये है बिटर गॉड, ठीक है, और ये है स्नेक गॉड, दोनों में ही 1/3 पार्ट जो है वो येलो टू रेड होता है। ठीक है, जब ये कलर हो जाएगा फॉर्म तब ये मैच्योरिटी लेवल में पहुंच गया हम ये मान सकते हैं। नेक्स्ट है पम्पकिन, एश गॉड, चेंज फ्रूट कलर टू ऑरेंज ब्राउन एंड एश मेटालिक इन एश गॉड। ठीक है, तो पम्पकिन में जो होता है ये देखिए ऑरेंज ब्राउन कलर में चेंज होता है, और जो एश गॉड होता है उसमें मेटालिक कलर में चेंज होता है। कुकुम्बर, चेंज कलर टू गोल्डन येलो। कुकुम्बर में जो होता है वो होता है गोल्डन येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होता है उनका मैच्योरिटी इंडेक्स। सीड एक्सट्रैक्शन, बिटर गॉड एंड स्नेक गॉड हैंड पिकिंग। तो बिटर गॉड एंड स्नेक गॉड में हैंड पिकिंग के थ्रू जो है सीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पम्पकिन एंड एस गॉड, तो पम्पकिन एंड एस गॉड में क्या किया जाता है, यूजिंग राउंड परफोरेटेड सीब। तो परफोरेटेड सीब्स होते हैं, ठीक है, सीब्स बोले तो ट्रे होता है, इस टाइप के ट्रेज होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे छेद होता है, ठीक है, होल्स, ऐसे ऐसे होल्स होता है राउंड शेप में, तो उनके उनके थ्रू जो है जो पल्प होता है, पल्प और सीड को अलग किया जाता है। ठीक है, कुकुम्बर, द फ्रूट्स आर कट लॉन्गिट्यूडिनली एंड द सीड्स आर स्क्रैपिंग आउट। ठीक है, तो उसको फ्रूट को पहले कट किया जाता है और उसमें से जो सीड जो है उसको स्क्रैपिंग आउट किया जाता है। द स्क्रैप सीड्स आर स्टिल एडेरिंग विद द पल्प, तो जो स्क्रैप सीड्स है मतलब जो सीड्स अभी बाहर निकला है उसमें अभी भी पल्प थोड़ा थोड़ा लगा हुआ रहता है। इट शुड बी सेपरेटेड बाई फर्मेंटेशन। जो पल्प लगा हुआ रहता है तो उसको निकालने के लिए जो है फर्मेंटेशन के लिए हम छोड़ देते हैं उसको, तो फर्मेंटेशन के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो सीड्स है वो सिंक हो जाता है एकदम नीचे और फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है ऊपर रह जाता है। ठीक है, या तो फिर फर्मेंटेशन या फिर मैकेनिकली भी हम उसको मतलब निकाल सकते हैं, सीड को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर केमिकल एक्सट्रैक्शन के मदद से भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। एंड द सेपरेटेड सीड शुड बी वॉश्ड वेल एंड ड्राइड टू 7-8% मॉइस्चर फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब सेपरेशन के बाद उसको वॉश किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है सेम मॉइस्चर कंटेंट तक, 7-8% मॉइस्चर। ठीक है, उसके बाद उसको स्टोरेज के लिए रखा जाता है। अब यील्ड देख लेते हैं कितना होता है। बिटर कॉर्ड में जो है वो यील्ड होता है 120-150 kg पर हेक्टर। स्नेक गॉड में देखिए 120-150 kg पर हेक्टर। पम्पकिन एश गॉड में होता है 120-150 kg पर हेक्टर। कुकुम्बर में होता है 100-150 kg पर हेक्टर। चलिए नेक्स्ट है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक्स इज हैंड इमास्कुलेशन एंड हैंड पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड मोस्टली यूज इन मेलन्स। ठीक है, ये मोस्टली वाटरमेलन, ठीक है, एंड मास्कमेलन, ये सब में यूज होता है। इन दिस स्पीसीज द एंड्रोमोनेसियस लाइन इज कॉमन। ठीक है, तो वाटरमेलन और मास्कमेलन में क्या होता है, एंड्रोमोनेसियस लाइन होता है। ठीक है, दे मस्ट बी इमास्कुलेटेड एंड हैंड पॉलिनेटेड विद डिजायर्ड पॉलन। ठीक है, तो इनमें जो फीमेल मतलब जिस प्लांट में हमें डिजायर्ड पॉलन को उसमें पॉलिनेशन करना है, ठीक है, तो उस फ्लावर को जो है हमें इमास्कुलेटेड करना होता है। ठीक है, तो हम हैंड से इमास्कुलेटेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिजायर्ड पॉलन होता है जो कि डिजायर्ड मेल पेरेंट से मिलता है वहाँ से कलेक्ट करके, ठीक है, ये देखिए यहाँ से कलेक्ट करके मैनुअली कलेक्ट करके, ठीक है, उसे हैंड पॉलिनेटेड किया जाता है। ये देखिए हैंड पॉलिनेशन किया जाता है, उसके बाद जो है पॉलिनेशन होता है। दिस मेथड यूज्ड इन कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन कुकुम्बर में ये जो मेथड है ये यूज़ होता है।
नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हैंड मास्कुलेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल ऑल्टरनेट रोज में जो है ग्रो किया जाता है। जैसे ये मेल हो गया तो ये फीमेल, फिर ये मेल, ये फीमेल, तो ये ऑल्टरनेट ऐसे रोज में जो है मेल फीमेल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। द मेल फ्लावर्स फॉर फ्रॉम फीमेल लाइन इज पिंच्ड ऑफ एंड लेट देम पॉलिनेटेड बाई हनीबीज और अदर इंसेक्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मेल फ्लावर्स होता है फीमेल लाइन्स में, ये सपोज़ ये फीमेल लाइन है, इसमें अगर कोई मेल फ्लावर रह गया तो उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो पॉलिनेट हो सके हनीबीज और कोई इंसेक्ट के थ्रू, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। द हाइब्रिड्स आर ग्रोन ऑन फीमेल प्लांट एंड हार्वेस्टेड फॉर सीड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जो ये फीमेल लाइन्स हो गया तो फीमेल लाइन्स में जो फीमेल फ्लावर्स है उसी में हाइब्रिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके बाद जो है सीड हार्वेस्टिंग किया जाता है। प्लांटिंग रेशियो फीमेल इज टू मेल, ठीक है, जो प्लांटिंग रेशियो होता है फीमेल इज टू मेल का वो है 4:1। तो अगर चार रोज होगा फीमेल का तो उसमें एक रोज रहेगा मेल का, ठीक है। जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये अगर अब फीमेल रोज हो गया तो एक हो जाएगा मेल, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद मेल, ऐसा करके, ठीक है। दिस मेथड यूज्ड इन मास्क मेलन, पम्पकिन, बॉटल गॉड, ठीक है, बीटर गॉड, कुकुम्बर, ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना, मास्क मेलन, पम्पकिन, बॉटल गॉड, बीटर गॉड, कुकुम्बर में ये प्रोसेस जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट मेथड है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव वे माना जाता है, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। दिस टेक्निक्स आर मोस्टली फॉलोज इन मास्क मेलन, ठीक है, मास्क मेलन में मोस्टली फॉलो किया जाता है। GMS और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इस इन मास मेलन इज कंट्रोल्ड बाय ए रिसेसिव जीन, ठीक है, एक रिसेसिव जीन पाया जाता है MSMS करके, जो कि मास्क मेलन में जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेल स्टेराइल लाइन इज यूज एज फीमेल, जो मेल स्टेराइल लाइन होता है उसे एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ किया जाता है, ओके, ये मेल स्टेराइल लाइन, तो ये हो गया फीमेल पेरेंट। एंड द प्लांटिंग रेशियो इज 4:1, फीमेल इज टू मेल, ठीक है, तो सेम कुकुरबिट्स में सब में 4:1 होता है ये प्लांटिंग रेशियो, फीमेल इज टू मेल 4:1 हो जाता है, फीमेल इज टू मेल, ठीक है। और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है MSMS जीन, जिसके लिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है मार्क्स मेलन में। टू हैव गुड प्लांट पॉपुलेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू सो द डबल अमाउंट ऑफ सीड रेट फॉर फीमेल पेरेंट, ठीक है। अच्छा प्लांट पॉपुलेशन के लिए क्या किया जाता है, जो सीड रेट होता है फीमेल पेरेंट के लिए वो डबल किया जाता है मेल पेरेंट से, ठीक है, मेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट में जो है सीड रेट डबल किया जाता है ताकि प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो। पॉलिनेशन इज डन बाई हनी बीज, तो यहाँ पे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के केस में जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बीज के थ्रू होता है। नेक्स्ट है गाइनोसिया सेक्स फॉर्म। गाइनोसिया सेक्स फॉर्म इज कॉमर्शियली यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर, मेनली कुकुम्बर में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। गाइनोसियस फीमेल पेरेंट इज क्रॉस्ड विद एंड्रोसियस मेल पेरेंट, ठीक है, जो गाइनोसियस फीमेल पेरेंट है उसको क्रॉस किया जाता है एंड्रोसियस मेल पेरेंट से, ठीक है। गाइनोसियस लाइन प्रोड्यूस्ड 4-7% मेल फ्लावर्स अंडर फील्ड कंडीशन। मेल फ्लावर इन फीमेल लाइन इज अनडिजायरेबल, सो ऑल द मोनोसियस प्लांट आर टू बी रिमूव फ्रॉम द गाइनोमोनोसियस लाइन, लिविंग विथ ओनली गाइनोसियस प्लांट। द प्लांटिंग रेशियो इज 4:1, यहाँ पे भी फीमेल मेल का जो प्लांटिंग रेशियो है वो होगा 4:1 एंड द पॉलिनेशन इज डन बाई हनी बीज। द मेल फर्टाइल लाइन बी लाइन इज मेंटेन्ड बाई सेल्फिंग इन एन आइसोलेटेड प्लॉट। जो फर्टाइल लाइन जिसे बी लाइन कहा जाता है और जो ए लाइन होता है वो मेल स्टेराइल लाइन होता है, जो ये फर्टाइल लाइन बी लाइन है उसे मेंटेन किया जाता है सेल्फिंग के थ्रू, ठीक है, एक आइसोलेटेड प्लॉट पे। इन गाइनोसियस लाइन द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स आर इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग 200 ppm फोलिया स्प्रे ऑफ इथिफोन एट टू लीफ स्टेज, ठीक है। जो गाइनोसियस लाइन में जो फीमेल फ्लावर्स की जो नंबर है उसको इंक्रीज किया जाता है
इथिफोन स्प्रे करके एट 200 ppm पे, ठीक है। 2 to 3 ml पर प्लांट इज़ नीडेड, ठीक है। जो इथिफोन है वो 2 to 3 ml, ठीक है, हर एक प्लांट के लिए नेसेसरी होता है। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।